नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर्स के प्लान्स के बारे में। जो जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर्स के जितने ही प्लान हैं, जियो फाइबर बोनेंजा प्लान्स है, उन सब की डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू में करने से पहले मैं आपको प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मैं आपसे जुड़ा रहूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जियो फाइबर के नेट के प्लान्स की, जिसमें सेटअप बॉक्स नहीं मिलता है। 399 का प्लान है, 30 Mbps का, जो आपको मंथली पड़ता है 470 का। इसमें आपको 6 मंथ की पेमेंट देनी होती है 2824 रुपये। इसमें 2824 रुपये में आपको 6 महीने की पेमेंट देनी है। ये एडवांस रेंटल, इसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं, आपका कनेक्शन लग जाएगा। उसके बाद है 699 का प्लान है, जो कि 100 Mbps का है। ये आपको 2474 रुपये का पड़ता है 3 मंथ्स के लिए, जिसमें 3 मंथ्स की सिर्फ आपको एडवांस पेमेंट देनी है। उसमें आपका कनेक्शन लग जाएगा, कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद बात करते हैं 999 वाले प्लान का। तो 999 वाले प्लान में आपको 150 Mbps की स्पीड मिलती है। 150 Mbps के साथ में सेटअप बॉक्स कंपनी फ्री देती है। ये नेट का चार्जेस है, कंपनी ये क्लेम करती है। तो आपको इसमें सेटअप बॉक्स एक 4K फ्री देती है, जिसमें 14 OTT प्लेटफॉर्म और आपको मिलता है इसमें 550 चैनल्स, आप 640 हो चुके हैं। तो जो OTT है वो जियो सिनेमा, डिज्नी, हॉटस्टार, सोनी लिव, G5, यूनिवर्स, लियोन्सगेट, सननेक्स, होईचोई, डिस्कवरी, शिमारो, अल्टबालाजी, एरोशनाओ, और आपको इसमें प्राइम मिल जाता है। सेम प्लान ऐसे ही 1499 वाले में जो है 300 Mbps का प्लान है। ये इसमें भी आपको सेटअप बॉक्स फ्री मिलता है। इसमें सारे वही 14 OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं जो 999 में मिल रहे थे आपको, बस एक नेटफ्लिक्स बढ़ जाता है और स्पीड बढ़ जाती है। इसमें भी आपको 3 मंथ्स की पेमेंट देनी है, आपका कनेक्शन लग जाएगा, सिर्फ एडवांस पेमेंट देनी है, कोई इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना है। ओके, अब बात करते हैं जियो फाइबर का जो बोनेंजा प्लान है, जो STB प्लान है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कितने कम से प्लान में आप TV चला सकते हैं और कितने से ज़्यादा के प्लान में आप ले सकते हैं उसमें। तो बोनेंजा प्लान में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 499 से शुरू है, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है। इसमें आपको 6 महीने के एडवांस रेंटल पे करना पड़ता है 3532 रुपये, जिसमें आपको कनेक्शन लग जाएगा। 6 OTT जो होते हैं वो होते हैं एरोसनाओ, एपिक, अल्टबालाजी, सिमारो, डिस्कवरी प्लस और होईचो सननेक्स। बस यही एप्लीकेशन है जिसमें मिलते हैं। चैनल्स जो हैं 400 चैनल्स मिलते हैं, जिसमें कि आपको मेन चैनल्स नहीं मिलेंगे, जी के, डिज्नी के, सोनी के, तो ये चैनल मेन जो है वो नहीं मिलेंगे इसमें आपको। उसके बाद है 599 का प्लान, जो कि 4240 रुपये का, 6 महीने के लिए। इसमें आपको 14 के 14 OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बस नेटफ्लिक्स और प्राइम छोड़ के 14 के 14 OTT प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको। 640 इसमें चैनल्स मिल जाएंगे, स्पीड 30 की रहेगी। उसके बाद है अपना 799 का प्लान है, जो कि 100 Mbps का। इसमें आप 3 महीने की पेमेंट करके ले सकते हैं आप, 2800 रुपये का पेमेंट होता है 3 मंथ्स का। इसमें आप 3 महीने का ले सकते हैं। इसमें स्पीड आपकी 100 Mbps रहेगी, 6 OTT मिलेंगे आपको एज इट इज़, जैसे 30 वाले प्लान में था एज इट इज़, वही सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको, 6 OTT और 400 चैनल्स। उसके बाद है 899 का प्लान है, 3182 रुपये का 3 महीने के लिए। इसमें 14 के 14 OTT प्लेटफॉर्म एज इट इज़, 599 का प्लान के जैसा ही है, बस स्पीड इसकी बढ़ जाती है, 14 OTT प्लेटफॉर्म और 640 चैनल्स मिलते हैं। उसके बाद 999 का प्लान मैंने आपको बता ही दिया और 1499 का बता ही दिया। अब बात करते हैं जियो एयर फाइबर के प्लान के बारे में। तो जियो एयर फाइबर का जो प्लान है वो 30 Mbps के शुरू है। इसमें आपको सेटअप बॉक्स कंपलसरी है, मतलब ये टीवी के साथ देते हैं ये, तो इसमें कोई अलग से नेट का प्लान नहीं है। तो 30 Mbps का प्लान जो इनका पड़ता है 599 का, जो कि 4240 रुपये का है, इसमें आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज देना है। अगर आप साल भर का प्लान लेते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेगा, जो कि 8482 रुपये का पड़ेगा आपको। तो आप उसके बाद है आपका 100 Mbps का, जो कि इसमें दो प्लान है, 899 का और 1199 का। 1199 और 899 में फ़र्क ये है कि 899 वाले प्लान में भी सेम स्पीड है, 1199 में भी सेम स्पीड है, बट प्लान में फ़र्क ये है कि आपके जो नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और जियो सिनेमा है वो 1199 वाले में है, बाकी सारी चीज़ें वही है 899 के जैसे ही। तो ये दो चीज़ें बढ़ जाती हैं इसमें, तीन चीज़ें जो कि OTT इसमें बढ़ जाती हैं। बाकी जैसे 899 वाला प्लान है उसमें 640 चैनल और 14 OTT प्लेटफॉर्म वही मिलते हैं। इसमें आपके 3 OTT प्लेटफॉर्म जो मेन है वो बढ़ा के मिलते हैं आपको। उसके बाद है 300 Mbps, 500 Mbps और 1 Gbps तक का जो प्लान है। ये आपका 300 Mbps का 1499 का है, 500 का है 2499 और 1 Gbps का है 3999 का, जो कि अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो जियो एयर फाइबर मैक्स प्लान बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, वो प्लान इन्होंने अभी से रिवील कर दिया, तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें भी इंस्टॉलेशन चार्ज में भी नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए वीडियो में, बने रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और नए नए अपडेट से जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।